राधे राधे, आज मैं कान्हा जी की नेट और ये कपड़े से बनी हुई एक सुंदर सी ड्रेस बनाकर लाई हूँ। इसके ऊपर मैंने ये मोतियों वाली लैस से और नगों वाली लैस से इसको डेकोरेट किया है। अब हमने ये वाली नेट लगा रहे हैं, हम आपको इस वाली ड्रेस में ये वाली नेट लगा रहे हैं और एक ही सिमर का कपड़ा लिया है। इन दोनों से हम आपको ये वाली ड्रेस बना के दिखा रहे हैं और इसके ऊपर हम इस तरह की लैस से इसको डेकोरेट करेंगे। आप इससे ज़्यादा वर्क वाली भी ला सकते हैं, कलरफुल लैस भी ला सकते हैं और इस तरह की भी। इसको जिस तरह से भी आप डेकोरेट करना चाहें उस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और इसकी चोली भी ये देखो न्यू स्टाइल में बनी हुई है, बस ये पीछे से अटैच की है यहाँ पर ऐसे, और ये ऐसे बन गई है। और जब हम ये कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगी और यहाँ इसको बांध देंगे ऐसे। इसको बनाने के लिए हमें एक ये, आप जिस तरह का भी कपड़ा लेंगे इस तरह के कपड़े के लिए आपको ये इतनी लंबी पट्टी चाहिए। ये हमने 38 इंच लंबी पट्टी ली है और इस पे हमने ये घोटा लगाया है ऐसे, इस तरह का इतना चौड़ा ये घोटा लिया है, ये आधा इंच चौड़ा घोटा है। और ये बनाने के लिए हमें एक कपड़ा चाहिए, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए। ये हमने 1.5 इंच चौड़ी और 17 इंच लंबी पट्टी ली है। इसकी तरफ इस पे भी हमने एक तरफ घोटा लगा लिया है। जैसे हमने इस पे घोटा लगाया है और इस पे घोटा लगाया है, ऐसे ही हम इस साइड भी घोटा लगाएंगे। ये घोटा मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ कैसे लगाया है। और ये हमने 5.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, ये 36 इंच लंबी और 5.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। और ये नेट की पट्टी, ये हमने 3.5 इंच चौड़ी ली है। ये देखो ये नेट की पट्टी ऐसे काट ली है हमने, और ये हमने बहुत बड़ी काटी है, इसका कोई नाप नहीं है ऐसे। जितनी भी आपके पास ये नेट की पट्टी है, हम या तो आप इसको ऐसे प्रेस करके पहले प्लेट बना के रख लीजिए जैसे हमने ये प्लेटें बनाई हैं, और या फिर इसको साथ की साथ ऐसे लगाते रहेंगे और इसको बाद में प्रेस से दबा देंगे ऐसे। सबसे पहले मैं आपको ये घोटा लगाना बताती हूँ। देखो सबसे पहले हम इस पट्टी को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखने के बाद हम इस पे ऐसे ये घोटा रखेंगे एक साइड ऐसे। अब हम इसको मशीन से ऐसे सिलेंगे, पहले हम एक साइड से सिलेंगे इसको। इसमें आप येलो कलर का भी धागा लगा सकते हैं और जो आपके पास धागा है वाइट कलर से भी कर सकते हैं। नीचे हमारे पास रेड था तो हमने रेड लगा लिया है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे इसको एक साइड से ऐसे सिल देंगे। देखो ऐसे हमने इसको एक तरफ से सिल लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे इसी सिलाई के ऊपर, जो हमारी ये सिलाई है इसके ऊपर ऐसे घोटे को रखेंगे ऐसे, और एक एक सिलाई अब इधर से मार देंगे। आधा हमारा इधर से आ जाएगा और आधा इधर से आ जाएगा। अब फिर हम यहाँ पर इसको रख के ऐसे मशीन से सिलेंगे। ऐसे ये बहुत जल्दी लग जाता है और बड़ी सफाई से लगता है। देखो अब हम जो यह हमारी पट्टी है इसको हम बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद हम इसको ऐसे रखेंगे, जो हमारा ये सेंटर है इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये जो हमारा सेंटर है इसको ऐसे रखेंगे ऐसे ऐसे। रखने के बाद हम इसको ऐसे इधर से भी ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ऐसे।
तो हमारा ये एक साइड से ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ गया है। अब हम यहाँ पर एक मशीन से सिलाई मार देंगे। ये हमारा ऐसे आ गया है। आप चाहे इधर से सीधा करें इसको या इधर से। अब हम इसको ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे और जितना भी हमें लगता है कि एक्स्ट्रा है ऐसे, और इसको पीछे चोली में जोड़ेंगे जैसे ये इसमें जुड़ रहा है। ऐसे देखो, एक के ऊपर एक रखा है ये पीस, और ये यहाँ से निकाल के और ये पीछे चोली में जोड़ दिया है ऐसे मशीन से। ऐसे एक सिलाई लगा रखी है, ऐसे देखो ये। अब मैं आपको सबसे पहले ये घेर बनाना बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपने कान्हा जी की कमर वाला घेर नापना है। ये कितना है? ये 6 इंच चौड़ा है, ऐसे यहाँ से मिला के और यहाँ तक ये 6 इंच आया है। इसके लिए जो घोटा लेंगे हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। दोनों साइड हमने ये घोटा छोड़ा है, और इसमें जब हम ये कान्हा जी को पहनाएंगे तो इसको अंदर करके यहाँ पे ये घोटा बांध देंगे ऐसे। अब हमने ये 6 इंच लंबी एक अखबार की पट्टी काटी है। अब हम इसको ऐसे अपनी मशीन में लगाएंगे, और जो हमने ये वाली सबसे पहले ये वाली पट्टी तैयार करी है, इस पट्टी से प्लेटें डालनी शुरू करेंगे। इधर यहाँ पर भी हम दोनों तरफ घोटा लगा लेंगे, या जब हम इस पे नेट की फ्रिल लगा लेंगे उसके बाद भी लगा सकते हैं। तो अब हमें इस पूरी पट्टी की प्लेटें इसमें देनी है। तो ये प्लेटें हम थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा घनी घनी सी देंगे ऐसे। इस कपड़े को आप आधा करके निशान भी लगा सकते हो, और अपनी इस पट्टी को भी आधा करके इसमें भी निशान लगा सकते हो ऐसे। ऐसे हम पूरे कपड़े की पट्टी लगा, ये प्लेटें डाल के यहाँ पे लगा देंगे। देखो अब हमारा ऐसे ये घेर तैयार हो गया है। देखो अब हमने इसमें से ये न्यूज़पेपर निकाल दिया है, और अब हमारा ये घेर अपने आप बन के ऐसे तैयार हो गया है। ये देखो, ये न्यूज़पेपर ऐसे सिलाई में से हम ऐसे जब सिलाई में आता है तो ये फट जाता है ऐसे। और अब हम यहाँ पर घोटा लगा के इसको तैयार कर देंगे। और ये घेर देखो कितने आराम से फैल रहा है ऐसे। देखो ये अपने आप गोल हो गया है। जब आप ये लंबाई अच्छे से, जितनी भी बड़ी ड्रेस बनानी है आपको उतनी ही लंबाई आपको बढ़ानी है कपड़े की, और जितनी छोटी बनानी है उतनी ही आप ये लंबाई थोड़ी सी कम कर सकते हो। तो ये अपने आप घेर घूम के देख ऐसे। अब मैं आपको इसमें आगे का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। अब हमने ये घोटा इसमें एक साइड ऐसे लगा लिया है, ये देखो ऐसे। और ये हमने यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा सिल दिया है कि जिससे हमारे धागे ना निकले। अब ऐसे ही हम इसको इधर से भी सिल देंगे ऐसे करके। ऐसे देखो इसमें ऐसे घोटा लगाया। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके जैसे हमने उसमें लगाया था, इस सिलाई के साथ साथ ऐसे इधर से भी लगाएंगे ऐसे करके। तो ऐसे ये हमारी ऐसी किनारी बन जाएगी।
देखो अब हम इसको ऐसे ऊपर रख के जो हमारा एक किनारा था यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये हम पूरा नहीं सिलेंगे, थोड़ा सा ही सिलेंगे बस। बस ये हम छोड़ देंगे, यहाँ से हम अपने कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे। देखो अब हमारा ये गोल सर्किल एकदम सेट रहे तो हम यहाँ पर एक एक सिलाई लगाएंगे और एक एक सिलाई हमारी लेस के साथ लग जाएगी। देखो ये सिलाई हम ऐसे लगाते जा रहे हैं कि जितनी भी ये प्लेट हमारी खुलेंगी उतनी प्लेट खुल जाएंगी, तो ये हमारा एक गोल सर्किल तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर जब हम नेट की प्लेटें लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएंगी। ऐसे ऐसे आपको पूरे सर्किल में सिलाई लगाना, ऐसे। अब हम इन्हें दोनों पट्टियों को ऐसे रखेंगे एक के ऊपर एक ऐसे, और अब हम इनको अपनी चोली के ये पीछे सिलेंगे एक सिलाई लगा के ऐसे। और ये आगे से ऐसे घूम के ऐसे हमारी चोली आ जाएगी ऐसे। देखो ऐसे ये यहाँ पे इतना लगा देंगे, ये देखो ऐसे पीछे, और इसको काट देंगे जितना भी एक्स्ट्रा होगा। ऐसे रखेंगे इसको सीधी तरफ से, और ये बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे हम। देखो ऐसे इसके चारों तरफ आ गई है। अगर आप इसे मजबूत करना चाहो तो एक सिलाई और लगा सकते हो। इसे मैंने लास्ट तक मार दिया है, सिलाई को लास्ट तक लगाया है। देखो जो हमारी ये लेस है इसमें से हम ये वाली लेस अलग कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको एक साथ लगाएंगे तो ये हमारी गोलाई में नहीं घूमेगी। ऐसे इसको पूरी लेस को काटना है। देखो इस वाली लेस में ये कलरफुल ऐसे ही सर्किल आता है, ये कलरफुल सर्किल लाके मैंने सर्किल लगाया है। अगर आपको सर्किल मिल जाता है तो ऐसे आप सर्किल लगा सकते हो, नहीं तो आप इस तरह की लेस लाके कैसी भी काट के अलग अलग अपने आप डिज़ाइन बना के भी लगा सकते हो। अभी भी ये हमारी गोल लेस नहीं घूमेगी तो हम यहाँ पे आप कट लगा देंगे ऐसे, तो ये हमारी गोलाई में घूम जाएगी लेस। ऐसे आपको पूरे में कट लगाना है। देखो अगर आप बिना निशान के एक साथ लगा सकते हो तो बिना निशान के लगा लीजिए, नहीं आपको इसमें निशान लगाना है। देखो अब ये लेस हमारी गोल घूम गई है, अब हम इसको भी एक सिलाई से ऐसे लगा देंगे। ऐसे आपको पूरी लेस को लगाना है। अब हम यहाँ पर ये नेट लगाएंगे, ये नेट हमें इतनी इतनी यहाँ पे छोड़नी है, ये बाहर निकालेंगे और यहाँ पर इसको मशीन से ऐसे लगा देंगे। ये हमने कुछ प्लेटें प्रेस से लगा रखी हैं तो ये तो हम बहुत इजीली लगा लेंगे, या तो आप अपनी नेट पे जितनी भी बड़ी पट्टी काटी है सब पे प्रेस करके रख लीजिए, और नहीं तो आप फोल्ड कर करके जैसे मैंने ये नीचे वाली चोली बनाई है ऐसे आप इसमें फोल्ड कर करके एक के ऊपर एक प्लेट रखते रहेंगे ऐसे। आपको यहाँ पे इक्वल रखना है कि ये आपकी जगह बराबर छूटे। अगर आपका ये थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है तो आप कटिंग करके भी सही कर सकते हैं। ऐसे आपको चारों तरफ लगाना है ये वाली लेस, और इसके ऊपर हम इसकी जगह पे हम ये वाली लेस लगाएंगे जो हमने काटी है ये वाली। ये यहाँ पे इसको भी हम ऐसे अलग अलग कटाव बना लेंगे जैसे कि हमारी गोल घूम जाए। ये कट लगाएंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे, ऐसे अपनी लेस को गोल घुमाने के लिए ऐसे कट लगा देंगे। पहले हम ये वाले कट लगा कर देखेंगे, अगर फिर भी नहीं घूमी तो हम यहाँ पे एक एक कट लगाएंगे ऐसे। यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे अलग कर देंगे और आप गोल सर्किल देखो ऐसे, तो ये ऐसे हमारी गोलाई में घूम जाएगी जितनी भी हमें लेस चाहिएगी ऐसे। तो इस तरह ये हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।